शिवपुरी जिले के ग्राम कैमई थाना बैराट से 15 अक्टूबर को अज्ञात चोरों के द्वारा 18 भैंस चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। एसपी राजेश चंदेल ने मामले को गंभीरता से लिया और एसडीओपी पोहरी निरंजन सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित की। इसमें थाना प्रभारी बैराट की टीम और थाना प्रभारी गोवर्धन एडी टीम को जंगल में भैंसों की सर्चिंग के लिए जंगल में भेजा। सर्चिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पगारा डैम के पास जंगल में कुछ अज्ञात भैंस और बदमाश हैं। सूचना पर पुलिस जंगल पहुंची, जिसे देख बदमाश भाग गए। पुलिस ने चोरी की गई भैंसें बरामद कर ली हैं। इस कार्रवाई में निरंजन सिंह राजपूत, एसडीओपी पोहरी, थाना प्रभारी बैराट सतीश सिंह चौहान, उप निरीक्षक अरविंद सिंह चौहान, दिनेश नरवरिया, थाना प्रभारी उनकी टीम, उप निरीक्षक दीपक शर्मा, प्रभारी साइबर सेल, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण त्रिवेदी, एडी टीम प्रभारी, प्रधान आरक्षक चंद्रभान सिंह, विकास चौहान, गोविंद भदौरिया, आरक्षक अनूप दुबे, आरक्षक हरेंद्र गुर्जर, उस्माल खान, सुमित सेंगर, हुकुम सिंह, राजेंद्र खरे, ऋषिकेश त्यागी, राम अवतार रावत, विवेकानंद गौड़, हरेंद्र गुर्जर, वैशाली सपना, नेहा शुक्ला की भूमिका रही। दिनांक 19 अक्टूबर को कैमई के राम कुमार रावत ने थाना बैराट में आकर रिपोर्ट करी थी कि उसकी 18 भैंसें गांव के जंगल से कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए हैं, जिस पर से तुरंत मेरे नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें थाना गोवर्धन, थाना बैराट और ईडी टीम थी। हम लोगों ने जंगल सर्चिंग की और मुखबिर के माध्यम से पता चला कि थाना पहाड़गढ़ के कुछ चोर इसमें इन्वॉल्व हैं। और जब सर्चिंग की तो पगारा डैम के पास ये भैंसें दी थी और भैंसों के साथ करीब 5 चोर भी थे। जब पुलिस पास पहुंची